तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आए मैच नंबर 55 की प्लेइंग 11 लेकर। 55 जो कि सीएसके और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। शाम का मुकाबला है, 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। सुपर संडे का दूसरा मुकाबला है। लेकिन सबसे पहले हमने देखे डीसी की प्लेइंग 11 बता दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब फटाफट मैं आपको सीएसके की प्लेइंग 11 बताऊंगा। कुछ बड़े बदलावों की आशंका है, कुछ बड़े बदलाव सीएसके को करने चाहिए अपनी टीम को बेहतर करने के लिए। देखिए, अब तो ना कुछ करने के लिए, ना कुछ खोने के लिए, ना कुछ पाने के लिए, क्योंकि 10 मुकाबले हो चुके हैं, केवल 3 जीते हैं। पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यहां पर आप अपने खिलाड़ियों को आजमा सकते हो जो बेंच पर बैठे हैं, उन भविष्य के खिलाड़ियों को जिन पर आप दाव लगा रहे हैं उनको आप आजमा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सीएसके को आप करना चाहिए इस मैच में दिल्ली कैपिटल के। सीएसके अगर चाहे तो दिल्ली कैपिटल का खेल बिगाड़ सकती है। सीएसके अब किंग मेकर टीम हो गई है। सीएसके को 4 मुकाबले खेलने हैं, 4 मुकाबले अगर सीएसके जीत गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट टेबल का मामला गड़बड़ हो जाएगा। और पॉइंट टेबल में मामला गड़बड़ हो गया तो हो सकता है कि कुछ चांसेस बन जाए। यहां पर सीएसके को क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। पिछला मुकाबला हारे थे, पिछला मुकाबला हार गए आरसीबी के खिलाफ तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ तो हैं, उनके साथ कोनविल, देखिए ये ओपनिंग पार्टनरशिप चल पड़ी है। अब सीएसके के साथ जो अभी तक नहीं हो रहा था वो होने लगा है, मतलब ओपनिंग नहीं चल रही थी, लगातार फेलियर होते जा रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ पहले रन नहीं बना रहे थे, फिर उत्तप्पा फेल हो गए, तो लगातार मामला फेल चल रहा था। लेकिन अब ओपनिंग पार्टनरशिप चलने लगी है धोनी के आते ही। जिस मैच में धोनी कप्तान बने उस मैच में दोनों ने बहुत शानदार रन बनाए, कोनवे और गायकवाड़ दोनों रन बना रहे हैं। इसका मतलब आपके पास एक पॉजिटिव नोट आने लगा है कि आपके ओपनर रन बनाने लगे। अब देखिए यहाँ पर एक बदलाव की मैं जरूरत मानता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको एक खिलाड़ी को बाहर करके, किसी भी एक खिलाड़ी को, रायडू को या उथप्पा को, किसी भी एक खिलाड़ी को बाहर करके आपको शिवम दुबे को वापस लेना चाहिए। शिवम दुबे ने रन बनाए हैं, जिस बल्लेबाज ने आपके लिए रन बनाए हैं, जो बल्लेबाज आईपीएल 2022 में एक अलग रंग में नजर आ रहा था, जो बल्लेबाज आईपीएल 2022 में सीएसके के लिए लगातार हाफ सेंचुरी लगा रहा था, उस बल्लेबाज को बाहर करके सीएसके ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर 3 पर दोबारा से शिवम दुबे आ जाएँ, शिवम दुबे को नंबर 3 पर, क्योंकि नंबर 3 पर बहुत सारे खिलाड़ियों को आजमाया गया है, कोई खिलाड़ी कामयाब नहीं हो पाया है। तो इसीलिए नंबर 3 पर शिवम दुबे, या फिर नंबर 3 पर आप मोइन अली को रख लीजिए, मोइन अली को रख लीजिए, नंबर 4 पर दुबे जी को रख लीजिए। ये एक कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। नंबर 3 पर मोइन अली को रख दीजिए, नंबर 4 पर शिवम दुबे को, क्योंकि शिवम दुबे ने रन बनाए हैं और जो बल्लेबाज आपके लिए रन बना रहा है उस बल्लेबाज को बाहर नहीं बैठाना चाहिए, उस बल्लेबाज को फिर मैच में खिलाना चाहिए। सभी टीमें ऐसा कर भी रही हैं। उसके बाद में देखिए 4 खिलाड़ी हो गए, अब यहाँ पर 5वें खिलाड़ी के तौर पर मैं चाहूँगा कि धोनी आए। मैं चाहता हूं कि धोनी ऊपर आए, 5वें खिलाड़ी के तौर पर धोनी ऊपर आए, क्योंकि धोनी इस टूर्नामेंट में एक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, लेकिन खुद को डिमोट कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। प्रमोट करो मेरे भाई, प्रमोट करिए, बेहतर होगा धोनी के लिए। उसके बाद में यहाँ पर आप रायडू या उथप्पा, जिसको बाहर कर रहे हैं, जिसको रख रहे हैं टीम में, उसको आप रखिए। मेरे हिसाब से आप रायडू को, रायडू ने कुछ अच्छी पारियाँ खेली हैं, मेरे हिसाब से आप रायडू को नंबर 6 पर यहाँ पर रख दीजिए। ये एक बहुत बेहतर स्लॉट हो जाएगा। गायकवाड़, कोनवे, मोइन अली, शिवम दुबे, धोनी, राइडू, ये आपके बल्लेबाज वो हो जाएंगे जो रन बनाए हैं, जिन्होंने आईपीएल 2022 में रन बनाए हैं, ये वो खिलाड़ी आपके पास हो जाएंगे। अब धोनी को एक और बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। बड़ा फैसला क्या लेना पड़ेगा, जडेजा साहब ने आईपीएल 2022 के अभी तक 10 के 10 मुकाबलों में कुछ नहीं किया, ना बल्ले से कुछ किया है, ना गेंद से कुछ किया है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी जो इनकी बेंच पर बैठा है, नौजवान खिलाड़ी है, भविष्य का होनहार है, उसको मौका दीजिए। नाम है राज्यवर्धन हैंगरेकर। हैंगरेकर आपको बल्ले से रन भी बनाकर देगा और गेंद की रफ्तार 145-40-45 की है, तो ये गेंदबाज आपके लिए बहुत बेहतर कर सकता है। क्योंकि जडेजा को देखिए, मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ, जडेजा ने आईपीएल 2022 में अभी तक कुछ किया नहीं है, तो जो बल्लेबाज, जो खिलाड़ी आपका कुछ नहीं कर रहा है, उसे खिलाने से क्या फ़ायदा है मेरे भाई। ठीक है आपने उनको सबसे नंबर 1 पर रिटेन किया, ठीक है आपने उनको 16 करोड़ दिए, लेकिन मेरे भाई उसका क्या फ़ायदा जो बल्लेबाज रन ही नहीं बना रहा है। तो इसीलिए आज देखिए, अब तो सीएसके के पास पाने के लिए कुछ, खोने के लिए कुछ नहीं, अब तो पाने के लिए कुछ है। तो पाना है अगर तो बढ़िया खिलाड़ियों को खिलाइए, हैंगरेकर को मौका दीजिए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। जडेजा को बेंच पर बैठा दीजिए, थोड़ा आराम करेंगे, और हैंगरेकर को मैदान पर उतारिए। ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, वास्तव में ये कमाल का गेंदबाज है। उसके बाद में देखिए पिटोरियस है यहाँ पर,
प्रिटोरियस है यहाँ पर, प्रिटोरियस। हालांकि वैसे तो प्रिटोरियस ने बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया खेल दिखाया है, बहुत बढ़िया खेल दिखाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्लैश में एक खिलाड़ी इनके पास हो रहा है, पथिराना। पथिराना के पास भी 150 की स्पीड है, बहुत शानदार गेंदबाज है, प्योर गेंदबाज है, और स्लिंगिंग एक्शन है, जिस तरीके से मलिंगा गेंदबाजी करते थे वो स्लिंगिंग एक्शन है, तो बहुत शानदार गेंदबाज है। अगर चाहे तो पथिराना को मौका सीएसके दे सकती है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर। पथिराना भी बहुत बेहतर गेंदबाज है, आप उनको आजमा सकते हो, बहुत शानदार गेंदबाज है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, आप पथिराना को आजमा सकते हैं। 150 की रफ्तार से ज़्यादा की गेंदबाजी करता है पथिराना, तो हो सकता है कि पथिराना के आने से दिल्ली कैपिटल का ऊपरी क्रम में परेशानी हो, क्योंकि पथिराना के पास एक अलग एक्शन के साथ रफ्तार है, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से हो सकता है। सिमरजीत तो बढ़िया गेंदबाजी सिमरजीत ने इस आईपीएल में की है, टिक्साना ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, तीक्ष्णा ने अपनी स्पिन से प्रभावित किया है। आईपीएल 2022 में ये चेन्नई सुपर किंग्स की एक खोज है, आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग की खोज है तीक्ष्णा। आने वाले सालों में आपको ये चेन्नई सुपर किंग्स में जरूर खेलता हुआ नजर आएगा खिलाड़ी, बहुत शानदार गेंदबाजी इसने की है। और मुकेश चौधरी, इस गेंदबाज ने खुश किया है और धोनी को नहीं सीएसके मैनेजमेंट को भी खुश किया होगा, तो आने वाले सालों में मुकेश चौधरी और तीक्ष्णा ये दोनों सीएसके के लिए लंबे वक्त तक खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएसके का एक फंडा रहा है, जो खिलाड़ी उनको मन पसंद आ जाता है वो खिलाड़ी लंबे वक्त तक सीएसके के साथ रहता है, सीएसके उसको छोड़ती नहीं है, तो इसीलिए तीक्ष्णा और उसके बाद में मुकेश चौधरी, ये दोनों खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन इन दोनों ने आईपीएल 2022 में किया है, कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीएसके कुछ बदलाव करे, सीएसके उथप्पा को बाहर करके शिवम दुबे को ले, शिवम दुबे बहुत बेहतर टच में थे, रन बना रहे थे, और सीएसके अगर अभी भी चारों मैच जीत जाती है तो समीकरण बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीएसके बाहर है, समीकरण बदल सकते हैं, चार मैच जीतने के बाद सीएसके के हो जाएंगे 8 से 14 पॉइंट हो जाएंगे, 14 पॉइंट के साथ अगर दूसरी टीमें नंबर 4 की लड़ाई में रहीं तो मामला वहां पर बिगड़ सकता है, इसीलिए सीएसके को आने वाले चारों मुकाबले जीतने के लिए शिवम दुबे को टीम में लाना पड़ेगा। शिवम दुबे ने रन बनाए, यार आप लोगों को तो पता है शिवम दुबे ने रन बनाए हैं, तो रन बनाने वाले खिलाड़ी को आप बाहर क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती सीएसके की यही थी। उसके बाद में थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में चेंज करिए, शिवम दुबे या मोइन अली को ऊपर लाइए, दोनों को नंबर 3 नंबर 4 पर खिलाइए, बेहतर होगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जडेजा की जगह हैंगरेकर को ले लीजिए, जडेजा ने आईपीएल 2022 के अभी तक कुछ मैचों में किया नहीं है, हैंगरेकर आएंगे, नौजवान खिलाड़ी है, रफ्तार है, T20 अंडर 19 में बेहतर प्रदर्शन करके आया है, तो ये खिलाड़ी बल्लेबाजी से भी रन बना सकता है और गेंदबाजी से भी, तो इसके पास वो काबिलियत है ऑलराउंडर वाली, तो जडेजा की जगह आप हैंगरेकर को मौका दीजिए। प्रिटोरियस ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पथिराना को एक मौका जरूर मिले, पथिराना को खिलाइए यार, ये गेंदबाज 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज है, बेहतर हो सकता है। आईपीएल 2022 में जिन गेंदबाजों के पास रफ्तार है वो कहर ढा रहे हैं, वो बहुत बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो जब सीएसके के पास भी एक ऐसा गेंदबाज है तो आप उसको भी मैदान पर उतारिए, बेहतर होगा मेरे हिसाब से, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में सिमरजीत, तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी, ये एक बेहतर प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से सीएसके के लिए है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, सीएसके के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, तो जितना आप पालेंगे उतना बेहतर है, ये प्लेइंग 11 मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, आपको जडेजा और रायडू सॉरी उथप्पा दोनों को बाहर करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। तो आपका मेरे इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि हाँ ये दो बदलाव होने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।